स्पेशलिटी हॉस्पिटल कार्डिया सेंटर, जहां आप पाएंगे सर्जिकल, क्रिटिकल एंड एक्सीडेंटल केयर। हमारा पता है परासिया रोड, पूजा लॉज के सामने, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के कमिश्नर वर्तमान में कौन है, ये आप जानते हैं या नहीं? ये जरूरी नहीं, क्योंकि निगम को ही नहीं पता कि कमिश्नर साहब हैं कौन। कौन साहब हैं जिन्होंने लेटर जारी कर कब्रिस्तान की भूमि को खाली करवाने का आदेश दे दिया? अब आपको मामला तो मालूम ही होगा, जो लगातार 3 दिनों से सुर्खी बटोर रहा है। आखिर नगर निगम क्यों दे रहा है नजूल की जमीन में दखल? गोलमोल जवाब देकर खुद उलझ गए निगम अधिकारी। क्रिश्चियन समाज की कब्रिस्तान मद की भूमि, विवाद पर फंसे अधिकारी। छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने स्थित फुटकर दुकानदारों में उस समय हलचल मच गई, जब अचानक से दुकानदारों को अपनी दुकानें खाली करने का मौखिक आदेश नगर निगम के एक कर्मचारी द्वारा दिया गया। फुटकर दुकानदारों ने बताया कि नगर निगम के एक कर्मचारी ने आकर कहा कि नगर निगम के एक बड़े अधिकारी ने दुकान हटाने की खबर भेजी है, कल तक सब दुकान खाली कर देना, जिसके बाद दुकानदारों में भारी आक्रोश है। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह से जब पूछा गया तो वे सारे मामले पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। साथ ही निगम कमिश्नर ने कहा कि हम जमीन का मालिकाना हक किसका है, ये जानना चाहते हैं। निगम कमिश्नर से जब पूछा गया कि क्या नजूल की जमीन को निगम द्वारा चेक किया जा सकता है, तो फिर राजस्व अधिकारी का नाम लेने लगे। लेकिन निगम ने एक आवेदक अरुण प्रताप सिंह को उक्त जमीन पर फेंसिंग करने की NOC प्रदान कर दी है। दरअसल छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट के सामने अंग्रेजों के जमाने से ईसाई समाज का कब्रिस्तान है, जिसकी हद में आने वाली करोड़ों की जमीन खाली पड़ी है और जमीन के बाहरी हिस्से में कुछ चाय, नाश्ते की होटलें और पान के ठेले स्थित हैं। इस जमीन पर लंबे समय से भू माफिया भी अपनी नजर जमाए हुए हैं और जमीन हथियाने के प्रपंच में लगे रहते हैं। वहीं जमीन की देखरेख ईसाई समाज का एक परिवार करता है, जिसके सदस्य राजू टाइटस ने इस जमीन को किस तरह हथियाने के प्रयास किए जा रहे हैं ये भी बताया। उन्होंने बताया कि उक्त कब्रिस्तान की भूमि से संबंधित लीज एवं अन्य दस्तावेज उनके पास हैं। यह अचानक जो प्रशासन और नगर निगम अलर्ट हुआ है, उसके विषय में उन्हें किसी किस्म का कोई नोटिस ना तो नगर निगम ने दिया है, ना ही नजूल अधिकारी ने। वो लेटर देकर भूल जाते हैं कमिश्नर। निगम ने उक्त भूमि के एक अन्य दावेदार अरुण प्रताप सिंह के आवेदन पर विवादित भूमि पर फेंसिंग करने की NOC प्रदान कर दी है, लेकिन जब मीडिया ने निगम कमिश्नर से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि हमने किसी को नोटिस या लेटर नहीं दिया है। बहरहाल इस मामले में कोई दाव पेच की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक आगामी समय में इस भूमि को लेकर नए नए हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। हम आपको इस मामले की लगातार अपडेट देते रहेंगे। बताइए क्या हुआ, कौन आए थे, आपको क्या बोल करके गए हैं? एक आया था आदमी, निगम के साइड से आया हूँ बोले, निगम के साइड से आया हूँ, कल ये दुकानें हटानी है बोले, और बोल रहा था घर के नोटिस मैंने मांगा तो नोटिस नहीं दिए बोले, मुँह से बोलने के लिए बोले हैं। मैंने नाम पूछा किसने बोला है, तो उन्होंने बोला कि NS बघेल ने पहुँचा है। कब तक का टाइम दिया आपको? कल हटाना है बोले। कब से आप लोग यहाँ धंधा कर रहे हैं? यहाँ 20 साल से कम से कम। कोई लिखा पढ़ी पहले हुई है, कोई नोटिस मिला है? नहीं नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं। नाम बताओ अपना। सूरज वर्मा। कितनी दुकानें होंगी यहाँ लगभग? यहाँ 25-24 होगी शायद। निगम द्वारा खाली कराई जा रही, कल सुबह तक खाली करने का नोटिस दिया गया। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है मेरे को, ऐसी कोई खाली कराने की नहीं दीजिए, उसके मालिकाना हक वगैरह चाहा जा रहा है, उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई। अभी इनको नोटिस दिया गया कल सुबह तक खाली करने के लिए, कोई आपका धर्मेंद्र मावरे है? कोई नोटिस तो धर्मेंद्र मावरे है वो बोल के गया। मावरे के द्वारा? हाँ हाँ, कल तक अल्टीमेटम दिया गया उनको, मौखिक कहा गया हो, नोटिस कोई नोटिस जारी नहीं। निगम प्रशासन को है नोटिस ये जारी है किया गया कि इसकी जमीन का वो है वो किसका है, ये इसके बारे में हम लोग जाँच कर रहे हैं। खाली करने का जो नोटिस दिया गया भाई, खाली जमीन किसकी ये तो पहले पता लगे, उसके बाद ना खाली कराएंगे। सर वैसे प्राइवेट जमीनों में इसकी पहले भी हो चुका है, प्राइवेट जमीनों को खाली कराने का निगम का क्या कंसर्न रहता है? प्राइवेट जमीन खाली कराने का कंसर्न नहीं रहता सर, ये निगम इसके पहले भी 2 बार हो चुका है प्राइवेट जमीनों को खाली कराने का। ऐसी कोई जानकारी नहीं, पहले हुआ होगा मेरे समझ में तो ऐसी कोई जानकारी नहीं। कार्यालय से कोई व्यक्ति गया जिसने वहाँ बोल के आया कि कल तक ये जमीन खाली हो जाना, जमीन का मालिकाना चेक कर रहे हैं किसका है वो, ठीक है।
मालिकाना हक हम चेक करा रहे हैं कि है किसका वो वास्तव में। साहब एनएस बघेल का हवाला दिया जा रहा है कि बघेल ने बता दिया है कि उस पर मालिकाना हक हम चेक कर रहे हैं कि किसका है, कब्रिस्तान किसका है, कौन मालिक है, कौन ओनर है, इसकी जानकारी पता है लेने के बाद ही हटाएंगे। नजूल की भूमि पर निगम कैसे मालिकाना हक चेक कर सकता है? नहीं नहीं, हम तो पता कर रहे हैं भाई, हम एसडीएम साहब सभी लोग। वजह क्या है सर उसको जानकारी? इससे पहले भी आते हैं बिल्डर यहां पे, बात किसी ने एप्लीकेशन दिया होगा तो देते हैं, तो ये आपके पास आया कोई किसी ने आवेदन दिया होगा इस संबंध में, इसलिए तो करा होगा, तो अपना तो जांच करना, खाली कराने का कोई वो नहीं है अभी फिलहाल कोई राजप, तो हम लोग अपना मालिकाना चेक नहीं कर लेंगे ऐसा कोई काम करने का अभी फिलहाल। पैथ लैब्स लाए हैं सेरोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हार्मोन पैनल, कार्डियक मार्कर, सभी प्रकार की जांच एवं घर से सैंपल कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है देव इंटरनेशनल होटल के बाजू में, खजरी रोड, छिंदवाड़ा।